हाय एवरीवन स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे को कंटिन्यू करते हुए आज हम चैप्टर नंबर एट को देखने वाले हैं और चैप्टर नंबर एट में हम बात करते हैं फॉरेस्ट्री एनवायरनमेंट एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट चैप्टर नंबर एट में हम बात करेंगे फॉरेस्ट्री इन्वायरमेंट एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हाउ many स्क्वेयर किलोमीटर्स ऑफ द स्टेट्स landmass आर ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड सबसे पहले आपको एक डाटा पता होना चाहिए देखो अगर हम डेजिग्नेटेड फॉरेस्ट लैंड की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में टोटल एरिया का जो डेजिग्नेटेड फॉरेस्ट लैंड है वो कितना है सैंतीस हज़ार नौ सौ अड़तालीस स्क्वेयर किलोमीटर एक बार फिर से रिवाइज कर लो सैंतीस हजार नौ सौ अड़तालीस ठीक है थ्री सेवन नाइन फोर एट किस तरह का एरिया है डेजिग्नेटेड फॉरेस्ट लैंड क्लियर अगर हम टोटल एरिया का इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो टोटल परसेंटेज में डेसिग्नेटेड फॉरेस्ट लैंड कितना है सिक्सटी एट पॉइंट वन सिक्स परसेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है ठीक है ये दोनों डाटा आपको याद रखना है एक तो डेजिग्नेटेड फॉरेस्ट लैंड कितनी है सैंतीस हजार नौ सौ अड़तालीस परसेंटेज में बात करें तो कितना है सिक्सटी एट पॉइंट वन सिक्स परसेंट इसी के साथ अगर हम एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया की बात करते हैं ठीक है थीके? ये तो था डेजिग्नेटेड फॉरेस्ट लैंड तो एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया की अगर हम बात करते हैं तो वो है पंद्रह हजार चार सौ तरतालीस तो ये डाटा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेजिग्नेटेड फॉरेस्ट लैंड कितनी है सैंतीस हज़ार नौ सौ अड़तालीस और एक्चुअल फॉरेस्ट कवर कितना है पंद्रह हज़ार चार सौ तरतालीस ठीक है तो ये दोनों डाटा आपने याद रखना है और अगर एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया का परसेंटेज में हम देखें तो एक्चुअल परसेंटेज फॉरेस्ट एरिया का कितना है सत्ताईस पॉइंट चौहत्तर परसेंट इसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया कितना है पंद्रह हजार चार सौ तरतालीस परसेंटेज में बात करें तो कितना है सत्ताईस पॉइंट सेवन फोर परसेंट तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है ऑफिशियली डेजिग्नेटेड फॉरेस्ट लैंड तो ऑफिशियली डेजिग्नेटेड फॉरेस्ट लैंड का जो एरिया है वो है ऑप्शन नंबर डी सैंतीस हजार नौ सौ अड़तालीस स्क्वे किलोमीटर डी सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टेट्स लैंड लैंडमार्क इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड इस क्वेश्चन में देखो ऑफिशियली डेजिग्नेटेड फॉरेस्ट लैंड जो है इसका परसेंटेज में पूछा गया है ठीक है तो टोटल डेजिग्नेटेड फॉरेस्ट लैंड कितनी थी सैंतीस हजार नौ सौ अड़तालीस अगर टोटल स्टेट के एरिया की बात करें कि टोटल एरिया का कितना परसेंट डेजिग्नेटेड फॉरेस्ट लैंड है तो वो कितना था 68.16 परसेंट तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टेट्स टोटल एरिया इज फॉरेस्टेड इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ओवरऑल जो हिमाचल प्रदेश का स्टेट एरिया है उसका फॉरेस्ट एरिया कितना परसेंट है तो अभी हमने डिस्कस किया था टोटल एरिया कितना है जो एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया में आता है वो है पंद्रह हजार स्क्वेयर किलोमीटर अगर हम इसकी परसेंटेज निकाले तो परसेंटेज में कितना आता है सत्ताईस पॉइंट सेवन फोर परसेंट ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर परसेंटेज पूछी है तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वट इज द टारगेट सेट बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू एनहेंस फॉरेस्ट कवर इन द दाय ट्वेंटी थर्टी एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी वन इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की जो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है दो हजार इक्कीस की उसमें जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने दो हजार तीस तक क्या टारगेट रखा है फॉरेस्ट एरिया का तो पहले हम फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि 2030 तक जो अभी प्रेजेंट एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया है सत्ताईस इसको दो तक इंक्रीज करने का लक्ष्य रखा गया है ठीक है और कितना परसेंट इंक्रीज करने का टारगेट है थर्टी परसेंट अभी एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया कितना है सत्ताईस पॉइंट चौहत्तर परसेंट पर दो हजार तीस तक कितना परसेंट एरिया इंक्रीज करने का लक्ष्य है थर्टी परसेंट तो इसका राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी थर्टी परसेंट कुछ एक फैक्ट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं उसके बाद हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर हम बात करेंगे फॉरेस्ट्री कंट्रीब्यूशन टू द हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी यहाँ पर हम क्या क्या फैक्ट्स डिस्कस करेंगे जैसे फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग जो सब सेक्टर रहता है जब मैंने आपको चैप्टर नंबर टू करवाया था वहां पर हमने बात की थी कि जो प्राइमरी सेक्टर होता है इसके अलग अलग फर्दर सब सेक्टर्स होते हैं जैसे प्राइमरी सेक्टर के सब सेक्टर्स कौन से थे जैसे क्रॉप सेक्टर हो गया फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग हो गया ठीक है इस तरह से कुछ एक सबसे रहते हैं तो यहाँ पर हम किस सेक्टर की बात करने वाले हैं फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग सब सेक्टर यहाँ पर हम क्या क्या फैक्ट्स देखेंगे जैसे फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग जो सब सेक्टर है ये स्टेट जी का कितना परसेंट ऐड करती है किसमें एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसेज में ठीक है कि जो फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग सब सेक्टर है वो कितना जी ऐड करती है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज में तो ये डाटा आपने याद रखना है सात करोड़ ठीक है इतना ऐड करता है फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग किसमें एग्रीकल्चर एंड अलाइड में अगर परसेंटेज में बात करें तो परसेंटेज में ये डाटा हो जाता है सत्ताईस पॉइंट बत्तीस परसेंट इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि जो फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग सब सेक्टर है फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग जो सब सेक्टर है वो टोटल जी एस वी ए में कितना ऐड करता है टोटल जी एस वी ए में कितना परसेंट ऐड करती है थ्री पॉइंट सेवन फोर परसेंट एड करती है फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग किस में टोटल जी एस वी ए में तो ये तीन डाटा आपने जरूर याद रखने हैं पहला डाटा क्या है कि अलाइड सेक्टर में फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग सब सेक्टर कितना ऐड करता है सात हजार दो सौ अट्ठाईस करोड़ परसेंटेज में बात करें तो सत्ताईस अगर हम बात करें कि टोटल जीएसपी है कितना ऐड करती है फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग तो वो है थ्री पॉइंट सेवन फोर परसेंट तो ये तीन फैक्ट्स आपने याद रखने हैं अब हम एम सीक्यूज पे आते हैं क्वेश्चन नंबर इन द दो हजार तेईस चौबीस वट वॉज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग सब सेक्टर टू ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इन करोड़ इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि जो फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग सब सेक्टर है वो कितना जीवीए एड करता है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में तो अभी हमने डिस्कस किया था दो सौ करोड़ तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अगला है क्वेश्चन नंबर आपसे परसेंटेज पूछी है कि फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग जो है अलाइड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में तो कितना परसेंट हमने डिस्कस किया था सत्ताइस पॉइंट बत्तीस परसेंट ठीक है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अगला है क्वेश्चन नंबर परसेंटेज ऑफ द टोटल ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड डिड द एंड लॉगिंग सब सेक्टर कंट्रीब्यूट सबसे दो हजार तेईस चौबीस इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग जो सब सेक्टर है वो टोटल जीएसबीए में टोटल जीएसबीए में कितना परसेंट एड करती है तो हमने डिस्कस किया थ्री पॉइंट सेवन फोर परसेंट तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अगले फैक्ट्स पे हम आते हैं कुछ एक प्लांटेशन टारगेट सेट किया गया है दो हज़ार के लिए तो वो टारगेट हम देख लेते हैं तो कितना परसेंट जो एरिया है उसको टारगेट किया गया है दस हज़ार हेक्टेयर ठीक है इसमें जो है कितना परसेंट अभी तक हमने अचीव कर दिया है सात हज़ार छः सौ छत्तीस हेक्टेयर ठीक है इतना हमने अचीव कर लिया है टारगेट कितने का है दस हज़ार तो अगर परसेंटेज में हम बात करें तो कितना परसेंट अचीव हमने किया है छिहत्तर तो पॉइंट ये तीन डेटा आपने याद रखने हैं कि टारगेट कितने का है दस अचीव हमने कितना किया है सेवन सिक्स थ्री सिक्स परसेंटेज आप किस तरह से निकालेंगे टोटल आपको पता होना चाहिए तो दो डाटा आप याद रख लो सेवन सिक्स डिवाइडेड बाय टेन थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड ये परसेंटेज कितनी छह छत्तीस परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट वट वॉज द प्लांटेशन टारगेट फॉर दर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर इन वर्ष दो हजार तेईस चौबीस के लिए हेक्टेयर में वृक्षारोपण का लक्ष्य क्या था अभी हमने डिस्कस किया कि प्लांटेशन टारगेट क्या सेट किया गया था प्लांटेशन टारगेट था दस हजार ठीक है टारगेट दस हजार था पर अचीव हमने कितना किया है सेवन सिक्स होगा ऑप्शन नंबर ए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पर पूछा गया है है कि अचीव हमने कितना किया प्लांटेशन तो हमने कितना डिस्कस सिक्स थ्री सिक्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेन इस क्वेश्चन में आपसे परसेंटेज पूछी गई है कि कितना परसेंट टारगेट हमने अचीव किया है दो हजार में टारगेट हमारा दस हजार हेक्टेयर का था अचीव हमने सेवन सिक्स थ्री सिक्स किया है परसेंटेज में बात करें तो में हम किसान सेवन सिक्स जो डाटा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको आपने इसी तरह से नोट्स बनाकर इनको याद कर लेना है तो फॉरेस्ट एरिया को हम किन किन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं उनको हम देख लेते हैं सबसे पहले है हाईली डेंस ठीक है हाईली डेंस फॉरेस्ट सेकेंड नंबर पे है मॉडरेटली डेंस फिर है ओपन फॉरेस्ट ये तीन मेन कैटेगरीज है ठीक है फॉरेस्ट की और एक आपने याद रखना है श्रब्स अब देखो क्वेश्चन किस तरह से आपका बनेगा अब इनकी आपको ग्राउंड डेंसिटी भी पता होने चाहिए जैसे अगर हम बात करते हैं हाईली डेंस फॉरेस्ट जो होते हैं इनकी जो ग्राउंड डेंसिटी है वो कितनी रहती है सेवेंटी परसेंट से ऊपर सेवेंटी परसेंट से ऊपर जो ग्राउंड डेंसिटी है उनको हम क्या कहते हैं हाईली डेंस और हाईली डेंस का फॉरेस्ट एरिया कितना है थ्री वन सिक्स थ्री स्क्वेयर किलोमीटर तो ये फैक्ट आपने डायरेक्टली याद करना है इसी तरह से आपने मॉडरेटली डेंस का भी याद रखना है इनकी क्राउन डेंसिटी कितनी है फोर्टी से लेकर सेवेंटी परसेंट ठीक है इस तरह से इनका एरिया कितना है सेवन वन डबल जीरो ओपन की कितनी है क्राउंड डेंसिटी दस से चालीस परसेंट ठीक है और इनका जो एरिया है वो कितना है फाइव वन एट जीरो स्क्र किलोमीटर तो ये डायरेक्टली आपने याद रखना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है श्रब्स श्रब्स का एरिया कितना है थ्री टू टू ये आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं क्लियर अब किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको हम एक बार देख लेते हैं देखो तो किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन नंबर इलेवन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैज द हाइएस्ट क्राउन डेंसिटी इन दिस रीजन देखो हमने जो चार्ट देखा था वहां पर हमने क्राउन डेंसिटी को डिस्कस किया था तो क्राउन डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा थी सेवन से ज्यादा किस फॉरेस्ट की थी हाईली डेंस फॉरेस्ट की हाईली डेंस फॉरेस्ट की कितनी क्राउन डेंसिटी हमने देखी थी सत्तर परसेंट ठीक है तो इसका राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए अगला है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वट इज द क्राउन डेंसिटी रेंज फॉर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट तो यहाँ पर आपसे मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की क्राउन डेंसिटी पूछी है तो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की जो क्राउन डेंसिटी थी वो कितनी थी चालीस से लेकर सत्तर परसेंट इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसी तरह से ओपन की भी आप याद रख लो ओपन के लिए कितनी क्राउन डेंसिटी थी दस से लेकर चालीस परसेंट ठीक है और सत्तर से ऊपर किसकी थी हाईली डेंस फॉरेस्ट की अगला है क्वेश्चन नंबर थर्टीन हाउ मनी स्क्वेयर किलोमीटर्स आर क्लासीफाइड एज श्रब्स इन द रीजन देखो यहाँ पर आपसे श्रब का जो टोटल एरिया है वो पूछा गया है तो हमने डिस्कस किया था कितना थ्री टू टू स्क्वेयर किलोमीटर ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वट परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट एरिया हैज़ अ क्राउन डेंसिटी बिटवीन टेन परसेंट एंड फोर्टी परसेंट देखो इस क्वेश्चन में आपसे परसेंटेज पूछ ली गई है तो एक बार हम पहले चार्ट देख लेते हैं तो सबसे पहले हमने बात की थी हाईली डेंस फॉरेस्ट की हाईली डेंस फॉरेस्ट इसका कितना एरिया था थ्री वन सिक्स थ्री और इसकी जो क्राउन डेंसिटी थी वो कितनी थी सेवेंटी परसेंट से ज़्यादा ठीक है इसी तरह से हमने बात की थी मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की तो इनका एरिया कितना था सेवन वन डबल जीरो स्क्वेयर किलोमीटर और क्राउन डेंसिटी कितनी थी फोर्टी से लेकर सेवेंटी परसेंट ठीक है तीसरा हमने बात किया था ओपन फॉरेस्ट ओपन फॉरेस्ट का जो एरिया है वो कितना था फाइव वन एट जीरो और इसकी क्राउन डेंसिटी थी दस से लेकर चालीस परसेंट तो अगर हम इसका टोटल निकाले तो ये आ जाएगा पंद्रह हज़ार चार सौ तरतालीस ठीक है पर यहाँ पर आपसे परसेंटेज पूछी गई है किसकी दस परसेंट से लेकर चालीस परसेंट जिसकी क्राउन डेंसिटी है तो दस से लेकर चालीस क्राउन डेंसिटी किसकी है ओपन फॉरेस्ट की ठीक है तो ओपन फॉरेस्ट के लिए हमारे पास एरिया है फाइव वन एट जीरो परसेंटेज किस तरह से निकलेगी फाइव वन एट जीरो डिवाइडेड बाय टोटल एरिया है पंद्रह हजार चार सौ तरतालीस ये हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड ये हमारी परसेंटेज आ जाएगी थर्टी थ्री पॉइंट समथिंग ठीक है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तो इस तरह से जो क्वेश्चन है आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे अगला है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच हैज़ द हाइस्ट नंबर ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन एच पी यहाँ पर पूछा गया है कि किस डिस्ट्रिक्ट का जो है हाईस्ट फॉरेस्ट एरिया कवर है तो देखो फर्स्ट थ्री तो आपको याद होना चाहिए सबसे पहले है लाहौल स्पीति परसेंटेज में बात करें तो ट्वेंटी एट पॉइंट नाइन परसेंट ये डाटा आपको एज इट इज ई याद रखना है सेकेंड है किन्नौर किन्नौर का जो फॉरेस्ट कवर है वो है फोर्टीन पॉइंट सेवन परसेंट एंड थर्ड डिस्ट्रिक्ट है आपका चंबा चंबा कितना है फोर्टीन पॉइंट सिक्स परसेंट ठीक है ये तीन है टॉप के और लास्ट से अगर हम बात करते हैं तो लास्ट से सबसे पहले नंबर पे आता है हमीरपुर ठीक है सेकंड नंबर पे आएगा लास्ट से ऊना और थर्ड नंबर पे आएगा बिलासपुर तो ये जो डाटा है ये आपको एज इट इज याद रखना है यहाँ पर पूछा है हाइएस्ट हाइएस्ट लाहौल स्पीति का अगला है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन वेयर इज द लार्ज जू बींग सेटअप विशाल चिड़ियाघर कहा स्थित किया जा रहा है तो लार्ज जू जो है वो कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है बनकंडी जो कि आपको देखने को मिलता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी अगला है क्वेश्चन नंबर अंडर एक्ट हैज द हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट बैंड द यूज एंड ऑफ प्लास्टिक आइटम्स हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने किस अधिनियम के तहत प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग और कूड़ा कचरा फैलाने पर प्रतिबंध लगाया था आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश में जो प्लास्टिक का यूज है उस पर बैन लगा दिया गया है तो किस एक्ट के तहत इसको बैन किया गया था ये यहाँ से पूछा गया है तो वो एक्ट था हिमाचल प्रदेश नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट इसका राइट आंसर है इनिशियन ऑफ जल जीवन मिशन क्वेश्चन में देखो आपसे क्या पूछा गया है कि जो जल जीवन मिशन है जब तक ये आया नहीं था उससे पहले रूरल एरिया की बात हो रही है यानी कि ग्रामीण एरिया की बात हो रही है हिमाचल प्रदेश में तो कितने हाउस होल्ड में जो टैप कनेक्शंस थे वो फंक्शनिंग थे तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है यहाँ पे तो कितने परसेंट फंक्शनल हाउस होल्ड टैब कनेक्शन थे जल जीवन मिशन अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब जल जीवन मिशन लॉन्च हो गया था तो रूरल एरिया में कितने हाउस होल्ड में जो टैप कनेक्शन है उनको सक्सेसफुली कवर किया गया तो वो डाटा है हमारे पास नाइन पॉइंट फोर सिक्स लैख तो कोई ये फैक्चुअल डाटा है अंडर जल जीवन मिशन तो ये आपको याद होना चाहिए तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अगला है क्वेश्चन नंबर परसेंटेज ऑफ फंक्शनल हैल्ड टैप कनेक्शन हिमाचल प्रदेश फॉर रूरल हैल्ड इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? कि जल जीवन मिशन के तहत रूरल एरिया में कितने टैप कनेक्शन को सक्सेसफुली जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है तो कितना परसेंट अचीव कर दिया गया है हंड्रेड परसेंट तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट कुछ एक फैक्ट्स हम देख लेते हैं यहाँ पर हम बात करेंगे ब्राइडिंग द गैप प्लांटेशन टारगेट देखो हिमाचल प्रदेश में जो है वो कल्टरेबल कमांड एरिया की बात हो रही है यानी कि CCA की बात हो रही है ठीक है यहाँ पर आपने पहला फैक्ट याद रखना है कि अंडर CCA यानी कि कल्टरेबल कमांड एरिया कल्टरेबल कमांड एरिया में जो है वो कितने हेक्टेयर भूमि की बात की गई है 3670 अब इसके अंतर्गत CCA में कितने एरिया को हमने कवर कर दिया है 1508.08 हेक्टेयरस इस टोटल एरिया में से जो कि सीसीए एरिया के अंतर्गत आता है इसमें हमने कितना कवर किया है एक हजार पाँच सौ आठ इतना आपने याद रखना है और इतना एरिया कवर करने के लिए कितनी कॉस्ट आई है ट्वेंटी पॉइंट सिक्स सेवन करोड़ ठीक है तो ये तीन डाटा आपने यहाँ पे याद रखना है अब क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछे जाएंगे वो हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है इज़ द फिजिकल टारगेट फॉर द कल्चरेबल कमांड एरिया टू ब्रिज द गैप बिटवीन पोटेंशियल क्रिएटेड एंड यूटिलाईज इस क्वेश्चन में देखो सीसीए एरिया की बात हो रही है कितना एरिया हमने देखा था अंडर सी सी ए तीन हजार छह सौ सत्तर हेक्टेयर इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए अगला है क्वेश्चन नंबर हाउ मेनी ऑफ द कमांड एरिया हैड बीन कवर्ड बाय अक्टूबर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कवर हमने कितना किया है अंडर कल्चरेबल कमांड एरिया तो वो डाटा हमने डिस्कस किया था एक हजार पांच सौ आठ दशमलव जीरो आठ हेक्टेयर इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर बी अगला है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अंडर सी जो हमने कवर किया है 1508.08 हेक्टेयर इतने कवर करने के लिए कितनी जो कॉस्ट है वो आई है वो है 20.67 करोड़ तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमने चैप्टर नंबर एट को भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया अब इस चैप्टर से हमारी सिर्फ स्कीम्स बचती है उनको मैं सेपरेट वीडियो में लेकर आऊँगा तो ये था आज का वीडियो सेशन कैसा लगा आप जरूर बताइएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय